हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैमिली ब्लॉगर्स। और आज मैं बना रही हूँ फूड कस्टर्ड, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी शेयर की जाए। और बच्चों के लिए भी या बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्दी फूड है, तो आप भी ट्राई करना ये फ्रूट कस्टर्ड, बहुत टेस्टी होता है। बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं और बड़े भी, और जैसे कभी कोई मेहमान आए तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो मैंने क्या क्या इंग्रीडियंट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक लिया है, एक सेब लिया छोटा वाला, और अनार लिया है आधा। ये अनार अच्छे से निकाल के दाने इसके, और ये मिल्क लिया है। मिल्क मैंने लिया ठंडा, ये इसलिए लिया है जो कस्टर्ड पाउडर है बस उसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। और ये शक्कर ली है जो हम एक्स्ट्रा दूध है उसमें डालेंगे। और ये कस्टर्ड पाउडर मैंने टॉप्स कर लिया है मार्केट से, यहीं से बहुत अच्छा पाउडर है, वैनिला फ्लेवर है, तो आप भी इसको लेना, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैंने लिया है 500 ml दूध, और ये दूध अभी इसको मैं पहले अच्छे से बॉईल करूँगी, और इसमें मैं थोड़ा चीनी डालूँगी। चीनी डाल के इसको अच्छे से बॉईल आना चाहिए इसमें। और ये है, इसमें ये शक्कर है, इसे मैंने डाल दिया है। आप अपने हिसाब से डालना, आप कितना मीठा खाते हो या कितना नहीं। तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच डाल दिया, और एक थोड़ा सा और, क्योंकि हमारे यहाँ पर तीन बार नहीं डालते, तो थोड़ा सा चौथे बार में और डाल दिया। और अब इसको अच्छे से उबलने दो दूध को। जब ये उबल जाएगा तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर, ये है दूध जिसमें मैं अभी कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। कस्टर्ड पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें लम्स नहीं बननी चाहिए, इसमें गाढ़े नहीं होने चाहिए लम्स। ये देखो 2 चम्मच डाल दिया मैंने, 2 चम्मच थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, वो आधे चम्मच आया नहीं था। उसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, इसमें वो नहीं होनी चाहिए, पूरा अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से तो उसको साइड में रख देंगे। और आप इसका ध्यान देना कि इसको गर्म दूध में डालना, गर्म दूध में डालोगे तो इसमें वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं, गुलटी सी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं गाढ़ सी बन जाती है, तो वो नहीं करना है, गर्म पानी उन्हें डालना है। और ये दूध अभी गर्म हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही गर्म होता है फिर हम इसको डालेंगे इसमें। यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है, गर्म हो रहा है, इसमें उबाल आ रहा है, देखो जैसे उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें वो डाल दूँगी कस्टर्ड पाउडर का जो मैंने बनाया है मिक्सर, डालूँगी। अभी बस उबाल आने वाले हैं, जैसे ही उबाल आता है उसके बाद डालना स्टार्ट। देखो दूध में उबाल आ गया, अच्छे से उबाल आ गया है। बस उसमें मैं वो जो पाउडर है डालूँगी, थोड़ा सा और उबलने देती हूँ, थोड़ा सा बस, एक बार थोड़ा सा उबल जाए तो उसके बाद फिर डालते हैं। आपको भी अच्छे से दूध को बॉईल करना है, ऐसे छूना नहीं है। अब ये दूध बॉईल हो गया है, और मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला जो मिक्सर था वो डाल दिया है। अब इसको थोड़ा देर हिलाते रहना, क्योंकि हिलाओगे नहीं तो ये नीचे जल जाएगा, नीचे लग जाएगा उसमें, तो उसको हिलाते रहना है। देखो गाढ़ा गाढ़ा हो गया ना, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। और इसको अच्छे से 10 मिनट तक पकाना है, जब तक ये पके ना तो उसको निकालना नहीं है। तो भी इसको ऐसे अच्छे से हिलाते रहो, ऐसे चमचे से ऐसे हिलाते रहो उसको अच्छे से। और आपको बस ये ध्यान देना कि ये नीचे ना लगे, बस इसको नीचे लग जाएगा ना तो फिर उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, फिर टेस्ट में वो वाला होंगे तो फिर जो थोड़ा जलेगी जैसी खुशबू आती है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है, बच्चों को भी देना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चों को कस्टर्ड, जिसके बच्चे दूध नहीं पीते, कम दूध पीते हैं, तो वो ऐसे कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड बना के बच्चों को दे सकते हैं। इवन जैसे कभी मेहमान आ गए तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मेहमान भी खा सकते हैं। उनको हमने स्वीट डिश के तौर पर ये रख दिया, पेस्ट कर दे उनके सामने, तो वो भी कहेंगे वाओ क्या बनाया है, बहुत टेस्टी, सो टेस्टी, तो ये सब होता है। तो आप इजीली भी बन जाता है और जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। तो ये जो ट्राई करना अपने बेबीज़ के लिए और अपने लिए आप भी, और हेल्दी भी है, ऐसा भी नहीं कि हेल्दी नहीं है, बहुत हेल्दी है। देखो ये पक गया है, अभी अच्छे से पक गया है, बस मत ये देखो पक गया ना। अब इसको हम अब क्या करेंगे, थोड़ा देर पका देते हैं, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, इसको गैस बंद कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए
जब तक ये रूम टेम्परेचर में नहीं आता तब तक इसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे। फिर इसमें हम एप्पल या आपको बनाना जो भी फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं आप वो फ्रूट्स डाल सकते हो। देखो मुझे बनाना पसंद नहीं है तो मैंने बनाना नहीं डाला है और फ्रूट्स मेरे पास थे नहीं अभी फिलहाल अवेलेबल तो मैंने नहीं डाले हैं। अब देखो हम इस जैसे ये तैयार हो जाएगा, ये मैंने फ्रूट्स काट के रख रखे पहले से ही। अभी रूम टेम्परेचर में आ गया है तो मैंने रूम टेम्परेचर में आ गया तो मैं इसको एक बाउल में डाल लूँगी। बाउल में डालने के बाद मैं इसको देखो कितना अच्छा बन गया है, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम कड़ा कड़ा टेस्टी। अभी जैसे ये इसको मैं अभी क्या करूँगी कि दूसरे बाउल में एक बाउल में इसको रख लूँगी जिससे फ्रिज में रखने के लिए मुझे ईजीली होगा, बड़ा बर्तन यूज नहीं करना पड़े। ये मैंने बाउल में डाल रख लिया है एक बाउल में। अभी इसमें मैं एप्पल डालूँगी, आपकी मर्जी आपको जो पसंद है कीवी, बस कीवी हो गया, जैसे केले हो गए और ये सब डाल सकते हो, एप्पल हो गया अपना और वो अंगूर हो गए, अनार अनार आपकी मर्जी जो आपको पसंद है वो फ्रूट्स डाल सकते हो। बस रसीले फूड में डालना जैसे कि वो डालना ये ऑरेंज ऑरेंज में डालना, ठीक है। देखो तैयार रेडी हो गया पूरा। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 5-10 आधे एक दो घंटे और देखो मैंने फ्रिज से निकाल दिया है। अभी देखो ये सारा वो हो गया, थोड़ा जम गया था क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था जल्दी के चक्कर में, तो अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा वो। मैंने फ्रिज से नीचे वाले उसमें रख दूँगी, इसको फ्रिज में रखूँगी नेक्स्ट टाइम। देखो मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया है। ऐसे आप भी फूड कस्टमर बनाए अपने बेबी को खिलाएँ, बहुत अच्छा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करना कि कैसा लगा आपको मेरा फूड कस्टर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।